नमस्कार, न्यूज 18 लोकमतच्या डिजिटल लाईव्ह मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आणि आता आपल्या सोबत आहेत अमिताभ सिन्हा सर. अमिताभ सिन्हा सर न्यूज 18 इंडियाचे एक्झिक्युटिव्ह एडिटर आहेत. अनेक वर्षांचा त्यांचा राजकारणाचा अनुभव आहे. खूप जवळून त्यांनी देशाचं राजकारण कव्हर केलेलं आहे. आणि आज जे काही भारतात आणि राष्ट्रीय स्तरावर राजकारणात घडते त्यावर अमिताभ सिन्हा सर यांच्या एवढा चांगला इनसाईट आपल्याला मिळणं कठीण आहे. आणि म्हणून आज ते बिझी असताना देखील त्यांना आग्रह करून खास आपण या लाईव्ह साठी बोलावलेलं आहे. सर खूप खूप धन्यवाद, थँक्यू. आणि आणखी एक धन्यवाद. आपल्या प्रेक्षकांसाठी की हा संवाद हिंदी मध्ये असेल, परंतु हिंदी महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही आहे. परंतु जे काही अमिताभ सिन्हा सरांकडून आपल्याला मिळेल, मला असं वाटतं की त्यानंतर भाषेचा आपला कोणालाही प्रश्न पडणार नाही, उलट सर्वांना आनंद होईल. सर बहुत बहुत धन्यवाद, थँक यू व्हेरी मच. आप बिझी थे फिर भी आपने ज्वाइन किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया. मराठी दर्शक आपने बुलाया मुझे. नहीं सर, जो कुछ आज राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, मुझे लगता है आपसे बेहतर हमें कोई मिलने वाला नहीं था, और इसीलिए मैं सवेरे से आपके लिए ट्राई कर रहा था. तो थैंक यू. और सीधा शुरुआत करते हैं सर, एक सिंपल सवाल रखूंगा सर. पटना से बंगलुरु तक विपक्ष की एक रैली निकल चुकी है, एकजुटता निकल दिखती हुई नजर आ रही है बंगलुरु में. सर पटना से बंगलुरु तक क्या डिफरेंस आपने देखा? पटना से लेके बंगलुरु तक का ये जो जर्नी थी विपक्ष की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे हमें? देखिए, मुहिम अभी एक ही है, मोदी हटाओ बीजेपी हटाओ. भले ही उसे विचारधारा के का नाम दे चाहे कोई और भी नाम दे दे, लेकिन एक एजेंडा तो एक ही लग रहा है कि हर हर छत्रप को, हर राज्य में जो बड़ा नेता है उसे लग रहा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए खतरा बन रहे हैं. चाहे छोटी पार्टियां हो तो क्षेत्रीय दलों से मुश्किल है, उनको मुश्किल आ रही है. प्रधानमंत्री ने जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जो जंग छेड़ी हुई है उसके खिलाफ मुश्किलें हैं. तो ये मुश्किलें हैं उनकी और बहुत, लेकिन रीजनल पार्टीज हैं अपने अपने इलाकों में बहुत मजबूत भी हैं. अगर पटना में जेडीयू की बात करें, सत्ता में नीतीश कुमार सत्ता में है, और पटना में जब बड़ी ऐसी बड़ी बैठक हुई थी अमित, तो आपको याद होगा उस समय कहा जा सकता है पूरे उस विपक्ष के दूल्हे नीतीश कुमार थे. सबको लग रहा था कि वो जो पूरे जो पूरे इंडिया जो अब बन चुका है, उस तमाम गठबंधन अब उस तमाम गठबंधन के जो कन्वीनर होंगे, संयोजक होंगे, नीतीश कुमार होंगे, और अगली बैठक में इसको तय कर लिया जाएगा. वहां उनको जो तवज्जो मिली, कांग्रेस के तमाम नेता है, राहुल गांधी वहां पहुंचे, तो नीतीश कुमार वहां काफी खुश अपने आप को महसूस कर रहे थे कि वो कम से कम एक सेंट्रल फिगर के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं विपक्ष की एकता के रूप में. और जहां तक बेंगलोर की बात है, ये यूफोरिया जो है लगता है बेंगलोर में थोड़ा ठंडा पड़ा, क्योंकि कल जो हम लोगों को जो अस्पष्ट खबरें आ रही हैं, भले उसको लोग नकार रहे हो, लेकिन बड़ी बैठक थी, अच्छी आता है. 28 पार्टियों का एक समूह है, 28 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े कद्दावर चेहरे हैं, सब अपने अपने राज्यों में बड़े बड़े नेता हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सब जननेता के, शरद पवार हो, एनसीपी के नेता हो, तो ये तमाम लोग जो है अमित बड़े बड़े नेता है, कोई 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 छोटा नेता नहीं है, और सब लंबी राजनीति में माहिर है. कब क्या चाल चल रहे किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी सब एक साथ जमा हुए हैं. जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा गठबंधन मजबूरी नहीं मजबूती का है, वो सबसे ज्यादा इशारा इन्हीं दलों के ऊपर था, जो अपने जो कमजोरी अपनी छुपाने के लिए एकता की बात कर रहे हैं. अब सवाल ये है कि वहां पर नीतीश कुमार ने जो 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 कहा, ये भी काफी अब उभर कर सामने आ रहा है अमित. छोटे शब्दों में बताना चाहूंगा, बेंगलोर की बैठक उनकी अगर सफल मानी जाए तो मुंबई के लिए अभी कई चीजें भी तय होनी, पूरी की पूरी चीजें बाकी रह गई हैं. किस सीट पर क्या फॉर्मूला होगा, कहां क्या करेंगे, ये बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि हर राज्य में अगर स्टालिन का मुख्य विरोधी अगर माना जाए तो कांग्रेस ही है ना. अभी एआईएडीएम के तो वहां कोई है नहीं, ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस है. बीजेपी ने 18 सीटें जीती, 77 सीटें उनकी विधानसभा में भी आई, लेकिन मुश्किल है वहां पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस और लेफ्ट का रिवाइवल, क्योंकि वो दोनों साथ लड़ रहे थे. तो हर राज्य में जब दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं और वहां कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, तो ये तो थ्री लेगेड रेस, हम लोग जो तीन टांग की दौड़ हम लोग स्कूल में किया करते थे, तो वही हो जाएगी ना. कौन किसको कितनी सीटें देगा? समाजवादी पार्टी अगर सीटें देती है, कांग्रेस को 4 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं होती है लोकसभा में, क्योंकि उनको लगता है कि उनका मुसलमान और अल्पसंख्यक वोट बैंक जो है वो छिटक जाएगा. तो ये मुश्किल है उनकी. लेकिन नीतीश कुमार इस बार लगता है इंडिया नाम देने से नाराज हुए हैं, नीतीश कुमार संयोजक न बनाए जाने से नाराज हुए हैं. तो नाराजगी हर किसी को अपने अपने स्तर पे अमित,
तो मुझे देखना है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ये कहां तक सफल होता है। नहीं सर, मतलब मुश्किलें तो बहुत सारी है सर इनके सामने। जो कुछ की शुरुआत पटना में हो गई थी, कुछ बेंगलुरु में नए शुरू हो गए, लेकिन अगर एक पॉजिटिव तरीके से अगर हम देखना चाहे तो कहीं पे लग रहा था कि आपको साथ लेना, केजरीवाल को साथ कांग्रेस ले सकती है कि नहीं, इसके ऊपर सवाल था, लेकिन आपको कांग्रेस ने साथ में लिया। एक एक जो भी चित्र हमें बेंगलुरु में देखा, कहीं ना कहीं सर इकट्ठा आने की एक एक कोशिश तो हो रही है कि ठीक है, जो आपने अमित, जितने इसको प्रॉब्लम इसको किए। इसको मैं फिर आपको टोकूंगा अमित। केजरीवाल ने एकता एकता के लिए एकता के लिए केजरीवाल कब एकजुट हुए? उन्होंने कांग्रेस की नाक रगड़वा दी अमित। उन्होंने जब तक कांग्रेस ने वायदा नहीं किया कि संसद में हम दिल्ली वाले ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे, तब तक केजरीवाल आने को तैयार नहीं हो रहे थे। पटना जाने के पहले भी उन्होंने तमाम टेंट्रम्स किए थे, तमाम तमाम शर्तें रखी थी। तो ये शर्तों वाली जो दोस्ती होती है ना, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होता है, जिसको अंग्रेजी में मैरिज ऑफ दिल्ली की भाषा में बोलते हैं। तो ये कब तक केजरीवाल साथ देंगे? अब तक जहां जहां केजरीवाल बढ़े हैं, कांग्रेस का सफाया हो चुका है। पंजाब से कांग्रेस साफ, दिल्ली से कांग्रेस साफ, अगर गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी घुस रही है, वहां से भी कांग्रेस को मुश्किल बढ़ रही है। तो आम आदमी पार्टी अब कह रही है मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे। तो केजरीवाल साहब पे कितना भरोसा करके चलेंगे सोनिया राहुल, ये आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट दिल्ली में भी और पंजाब में कैसे होगा, आप खुद सोचो। लेकिन ये तो बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी। खाली पंजाब की बात नहीं है, जब पश्चिम बंगाल जाएंगे तो ममता दीदी ज्यादा जगह मांगने वाली है। उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तब अखिलेश भी पीछे हटने वाले नहीं है। ये तो इनके सामने हम कह सकते हैं कि बड़ी चुनौतियां है। लेकिन जो एक चीज देखने को आई कि कांग्रेस, खास करके राहुल गांधी या सोनिया गांधी, ये फ्रंट में जो हम सोच रहे थे कि वो नहीं आए, खड़गे जी ही लीड कर रहे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को एक, आप कह सकते हैं, फेविकॉल बनने की कोशिश कर रही है कि भाई ठीक है, एक कदम पीछे हटने की जरूरत पड़ी तो हम हटेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता है। अब ये इनका टारगेट है कि कम से कम 400 400 सवा 400 सीटों में 1-to-1 लड़ाई हो बीजेपी के साथ। ठीक है, ये कहां से कैसे लड़ेंगे आप खुद सोचो। जब हर स्टेट में आपस में ही भिड़े हुए हैं तो सीटों पर तालमेल अगले 6 महीने में आपको लगता हो जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है अभी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में चुनाव है। तेलंगाना में भी अगर बीजेपी वहां लड़ रही थी, लेकिन वहां कांग्रेसी केसीआर की सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आ रही है, कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो केसीआर भरा कांग्रेस के साथ क्यों जाएंगे? जगन मोहन रेड्डी आंध्रा में है, उनकी लड़ाई सबसे ज्यादा कांग्रेस के साथ है। तो हर राज्य में अलग लड़ाई है, लेकिन एक कोशिश हुई है कि सबको एकजुट किया जाए। एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, लड़ाई विचारधारा से है। लेकिन यही इंदिरा हटाओ के नाम पर जब तमाम विपक्ष एकजुट हुआ था 71 में, तो आप व्यक्ति को हटाने के नाम पर आप जनता को बरगला नहीं सकते। अमित, एक चीज तो साफ है, हमारी देश की जनता अब काफी समझदार है। देश की जनता के पास अब दुनिया में क्या घट रहा है इसकी खबर भी होती है। सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हम लोगों के गांव तक में लोगों के पास व्हाट्सएप पे वो आ जाता है जो हमारे पास भी होता है। तो अब लोग इतने जागरूक हैं, अवेयर हैं, और अब समाज बदल भी रहा है। अब उतनी पहले जैसी गरीबी और उन वैसी जैसी बातें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, मुश्किलें हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन अमित सबसे बड़ी बात है, एक कोशिश हुई है विपक्ष की एकता की। चलो अब कम से कम संसद में मुझे नहीं लगता है कि इस बार चलने देंगे वो लोग विपक्ष, क्योंकि तमाम राज्यों के अपने अपने एजेंडा है। लेकिन इतना तो साफ है कि एक 28 दलों का एक गठबंधन बनाकर उन्होंने बीजेपी को भी चुनौती फेंकी, और बीजेपी ने 38 दलों का गठबंधन बनाकर उनको और ज्यादा झटका दे दिया है। तो मुझे लगता है कि झटके दोनों तरफ बराबर लगे हैं। सर, आप ये इंडिया जो भी जिसके भी दिमाग से निकल के आया है, और बहुत खुश हो रहे हैं, विपक्ष बहुत खुश है कि कुछ हमने बहुत दिनों के बाद हमारे पास कुछ ऐसा हाथ में लगा है। ये इंडिया जो भी उन्होंने उसका लॉन्ग फॉर्म बना के एनडीए के सामने रखा है, आपको लगता है ये इंटरेस्टिंग टर्म है? थोड़ी थोड़ी देखिए, तो इंटरेस्टिंग तो था ही। अब वो लोग इस नारे पे चल जाना शुरू कर दिए थे, कल सोशल मीडिया में भी आया था, मोदी बनाम इंडिया। ठीक है, अब मोदी बनाम इंडिया, अब यहाँ भारत लेड बाय मोदी बनाम इंडिया लेड बाय क्वेश्चन मार्क। इंडिया को कौन लीड करेगा? भारत को तो मोदी जी लीड कर रहे हैं, इंडिया को लीड कौन करेगा? अभी तक बहुत ज्यादा भ्रम है, और मुझे लगता है ये भ्रम चुनाव तक भी दूर नहीं होगा। चुनाव के बाद अगर ये तय करते हैं तो उस समय ये देखने वाली बात होगी कौन दल कितना मजबूत होके उभरता है, क्योंकि जब भी ऐसी सरकारें बनी हैं, अगर बीजेपी के पहले
अगर मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार को देखें तो पहले 5 साल में आपको याद होगा लेफ्ट पार्टीज ने अविश्वास प्रस्ताव तक लाया था, लेफ्ट पार्टीज का भी दबाव था और भी जो बड़ी पार्टियां थी समाजवादी पार्टी का दबाव था, लेकिन बीजेपी के आने के बाद कम से कम ये गठबंधन की राजनीति है। एनडीए की सरकार अभी भी कही जाती है प्रधानमंत्री मोदी के समय, अभी ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही है और 25 साल हो चुके एनडीए के। और अटल जी ने जब 24 दलों का एनडीए बनाया था, हमें तब हमें भी याद है तब कांग्रेस यह कहा करती थी कि विपक्ष गठबंधन की राजनीति चला ही नहीं सकता, ऑल्टरनेटिव सिर्फ कांग्रेस है। अटल जी ने 6 साल तक सरकार चलाई थी, उसके बाद कांग्रेस ने अपने शिमला में जाकर अपने डिक्लेरेशन में जो प्रणब ने ड्राफ्ट किया था उसमें साफ साफ लिखा था कि अब कांग्रेस भी कोलिशन की तरफ जाएगी। और सोनिया गांधी खुद शरद पवार को मनाने, डीएमके को मनाने, रामविलास पासवान को मनाने खुद अपने घर से निकलकर उनके घरों तक गई थी। तो मुझे लगता है कि गठबंधन की मजबूरी अब कांग्रेस भी समझ चुकी है और जानती है कि मुश्किल है। राहुल गांधी की यात्राएं चल रही हैं, अब पूर्व से पश्चिम तक की भी यात्रा होगी, लेकिन एक चीज तो है कि अब समय से पहले उन्होंने बहुत ज्यादा, मुझे लगता है चौथी गियर में आ गए हैं, तो मुझे लगता है बीजेपी और एनडीए को भी संभलने का काफी मौका मिल जाएगा क्योंकि अभी भी 8 महीने और है। सर आप भाजपा को इतने नजदीकी से आप कवर करते हैं, आपको मतलब जितने इनसाइड आपके पास आज की घड़ी में है शायद ही किसी को पता होगे। सर आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी एक समस्या भाजपा के सामने या एनडीए के सामने आप देखते हो कि इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग एक साथ आ जाएंगे, 1 से 2 बैठक हो गई है, कहीं ना कहीं जो भी विरोधक कह रहे हैं कि एनडीए हमारा इंडिया बनने के बाद में एनडीए बना है और ये छोटे छोटे दलों को बुलाया गया है, कल तक जो हाशिए पे थे आज वो भाजपा के साथ, भाजपा उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल के ये विरोधक की तरफ से टिका हो रही है, लेकिन इसमें सच्चाई भी है कहीं ना कहीं। कल तक एनडीए से ज्यादा हम भाजपा की सरकार कहते थे, कल मोदी जी ने जो भाषण किया उन्होंने उसमें एनडीए की गवर्नमेंट, ये तो फर्क आया है। बिल्कुल फर्क आया है, ये ऐसा अमित ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी आने वाली चुनौतियों को लेकर चिंतित नहीं है, सजग नहीं है, सतर्क नहीं है। बीजेपी के साथ बीजेपी जानती है कि अगर 10 साल शासन किया है तो जनता को आप कितना, एक तो फैटिग होता है अपने अपने नेताओं से, आप अपनी सरकार से, अपने विधायकों से, अपने सांसदों से, अपने मंत्रियों से। आप सरकार जनधन योजना में कितना भी मुफ्त राशन दे दे, गरीब जनता भी बोलेगी अरे ये काम पूरा नहीं हुआ है। अगर मध्य वर्ग को अगर गांव तक महिलाओं तक सिलेंडर पहुंच जाए, जनधन योजना में पैसे भी पहुंच जाए, आप तमाम फैसले ले लो, लेकिन 10 साल एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही अमित, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी को उभारने के लिए अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी आराम से घर पर बैठी हुई है। प्रधानमंत्री खुद अभी से ही एकदम बिल्कुल लीड पर आ गए, एकदम फ्रंट से लीड कर रहे हैं, संगठन को चाक चौबंद कर रहे हैं, लोगों को, मंत्रियों को गांव देहात तक भेज रहे हैं, अपनी योजनाओं का जो प्रचार प्रसार है, अपनी योजनाएं जो उन्होंने जनता तक पहुंचाई है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की योजना थी, अति पिछड़े महिलाओं की कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजना को लाभ पहुंचाने की बात थी, टॉयलेट्स बनाने की बात थी, स्वच्छता अभियान की बात थी, ये सबके सबके लिए हाउसिंग फॉर ऑल की बात थी, हर घर नल की बात है। तो योजनाओं की कमी नहीं है, ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के सीधे फायदे में गई हैं और जनता को फायदा हुआ। अगर अमित अगर मध्य वर्ग को देखें तो आपको याद होगा 10 साल पहले मोदी सरकार के पहले अटेस्टेशन को लेकर कितनी दिक्कत होती थी, हर व्यक्ति अटेस्ट करवाने के लिए गजेटेड ऑफिसर को ढूंढता था क्योंकि हर व्यक्ति के घर में गजेटेड ऑफिसर नहीं होते, अब सेल्फ अटेस्टेशन से काम हो रहा है। तो चीजों ईज ऑफ लिविंग काफी बेहतर हुई है, लेकिन अब यह है कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके प्रधानमंत्री को और सरकार को भी और बीजेपी को भी कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके कुछ ना कुछ अब जनता के लिए सामने लेके आना है। और मुझे लगता है जल्दी ही अगर 15 अगस्त तक इंतजार करें तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी कुछ नया जनता के लिए पश्चर्तियां लेकर आएंगे। अमित मैं अभी से बता सकता हूं जो जो अभी तक जो मिला है जनता को उससे ज्यादा कहीं उससे हटकर होगा, उससे ज्यादा होगा, युवाओं के लिए भी हो सकता है, गरीब जनता के लिए भी हो सकता है। तो मुझे लगता है लड़ाई इतनी विपक्ष को 28 लोगों के जुट जाने से एक तरफा लड़ाई नहीं हो रही अभी भी, क्योंकि अभी भी ये मान के आप रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम और अपने काम में सबसे आगे है, सबसे बड़ा कद है, लोकप्रियता उनकी सबसे ज्यादा है। नहीं वो इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर, लेकिन मैं जो कह रहा था कि एनडीए को एक साथ जुटाने की कोशिश जो विरोधक जो आज टीका कर रहे हैं कि आपको एनडीए की याद हमारी वजह से आई है, ये इस पे आप क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ये
अमित मैं आपसे सहमत हूँ, लग रही है सर कि अब छोटे छोटे दल मुझे हमें चाहिए, 10-15-20 सीटों का जो भी होगा, या एटलीस्ट एक मैसेज देना चाहती है कि हम अकेले नहीं है, नहीं लड़ना चाहते, हम भी लोग साथ लेके चल सकते हैं। अमित ये पूरी राजनीति जो है ना, ये पूरी तरह से हम हिंदी में बोलते हैं, शायद आप मराठी में बोलते हैं कि भौकाल करने का खेल है। जो रवि किशन की बातें आप सुनते हैं ना, भौकाल भौकाल टाइट करना। अगर 28 सीटें जीतकर, अगर 28 पार्टियों का दिल जीतकर कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन बना रही है इंडिया के नाम से, तो अगर एनडीए का गठबंधन अटल जी के समय भी 24 दलों का था, अगर इस अगर मोदी सरकार में बात करें अनुप्रिया पटेल से लेकर, तो कई लोग ऐसे थे, पशुपतिनाथ पारस भी है इसमें, कई इसमें नॉर्थ ईस्ट के ऐसे दल हैं जो मंत्री हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार नहीं थी, अकाली दल अलग हुआ, अब पंजाब की राजनीति थी अलग हुआ, लेकिन अब अकाली दल हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वापस आ जाए, चंद्रबाबू नायडू अलग हुए, हो सकता है वो भी जुड़ जाए। अभी जैसे जैसे चुनाव आएगा एनडीए का कुनबा और बढ़ेगा, और ये बात तय है अमित मैं आपको बता दूं। लेकिन आपने जो कहा राजनीति मैसेजिंग का खेल है, इसलिए अगर वो 28 दल लेकर आए तो एनडीए 38 दल लेकर आया, चिराग पासवान से प्रधानमंत्री खुद गले मिले, और चिराग जिस चिराग पासवान की पार्टी दो फाड़ में हो गई थी, उनके चाचाओं को मंत्री बना दिया गया था, अब चिराग पासवान भी अब हो सकता है जल्दी ही मंत्री बन जाए। तो राजनीति मैसेजिंग का खेल है, देश की जनता के सामने मैसेज यही जाता है कि ये छोटे छोटे दल हैं, मान लो कोई भी एक छोटा दल है, अपना दल है यूपी में, राजभर की, राजभर जो आए कल, राजभर की पार्टी 2 जिलों में 3 जिलों में अब प्रभाव रखती है। हाँ, अब अगर मुझे याद नहीं है, शेतकारी आपके राज्य के शेतकारी किसान संगठन जो शेतकारी संघ था, वो एक जमाने में मुझे लगता है साथी था सेठी साहब का। तो ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो कुछ जिलों में प्रभाव रखती हैं, उन जिलों में भी सीटें अगर उनका भी टारगेट करके चले, तो 38 दल भले ही छोटे छोटे हों, लेकिन उस 38 दलों में अगर 28 दल भी अपने इलाकों में 4-5 सीटें भी जितवा दें, तो आप समझ लो कि फिर तो बेड़ा पार हो ही जाएगा ना। इसलिए मैसेजिंग जरूरी थी उनको काउंटर करने के लिए, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री और बीजेपी इसमें सफल हुए। बस सर, अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात शायद सर आपने नोट की होगी, कल एक अजब चीज भी हुई, यूपीए में भी एनसीपी थी और एनडीए में भी एनसीपी थी, बहुत लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, यूपीए या इंडिया, इंडिया में शरद चंद्र पवार जी थे और आज के एनडीए में अजीत दादा थे, और अजीत दादा और एकनाथ शिंदे, इन दोनों को जो मैं कहता हूं कि जो स्टेज दिया गया, एकनाथ शिंदे उनके स्वागत के लिए आए, प्रोमिनेंस बहुत ज्यादा दिया गया, लेकिन एक पहली बार ऐसा हुआ कि एक में वो दल होगा सर आज की घड़ी में एनसीपी, जो इंडिया का भी पार्ट है और जो एनडीए का भी पार्ट है, शायद इसके ऊपर कभी ना कभी ध्यान दे। अजीत दादा तो निकल के चले आए, और हमें, हम लोगों, मतलब आप भी राजनीति अमित समझते हो, मैं भी समझता हूँ, आपको लगता है अजीत दादा बिना बिना भाव के परमिशन के इधर आ गए होंगे? कहीं ना कहीं तो मुख्य सहमति होगी ही, अगर अभी भी जाकर वो पवार साहब से निवेदन करते हैं कि हमें आशीर्वाद दे दो, इसका मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि शरद पवार सबसे बड़े नेता हैं, उनका सम्मान जरूरी है, और अजीत पवार उसी का पालन कर रहे हैं। तो बीजेपी ने कम से कम महाराष्ट्र में जो एक लूजिंग ग्राउंड पर थी, जो लग रहा था पिछड़ रही है, मुझे लगता है कि अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे भी ठाणे और आसपास के इलाकों में अच्छा प्रभाव है उनका, ये पूरा महाराष्ट्र जानता है। तो अब महाराष्ट्र की लड़ाई इंटरेस्टिंग तो हो ही गई है, अब देखते हैं जनता किसके साथ है। बस सर, आखिरी के दो सवाल, बंगलुरु से अब ये पूरी भीड़ हमारी मुंबई में जुटने वाली है, ये मुंबई चुनने की तरफ आप कैसे देखते हो, और मुंबई से आपको लगता है कि नेता, जो चर्चा चल रही है कि विपक्ष का नेता मुंबई से निकल के आएगा, और मुंबई ही क्यों ग्राउंड चुना गया है, आप इस पर क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, एक चीज तो साफ है, अभी नेता विपक्ष का या कहां से चुन कर आएगा, इसके बारे में अभी भविष्यवाणी करना हमें बिल्कुल गलत होगा, कौन होगा कोई नहीं जानता है। अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई तो पता नहीं राहुल गांधी को प्रमोट करें ना करें, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं आगे बढ़ सकती है, दलित नेता है, कर्नाटक से आते हैं, और दलित को बढ़ाकर कांग्रेस अपनी पीठ भी थपथपा सकती है। की बात भी चल रही है सर, पहले देश के दलित पहले प्रधानमंत्री क्यों ना हो, दलित क्यों नहीं प्रधानमंत्री? खड़गे साहब को जितनी प्रोमिनेंस मिल रही है अमित, ये तो संदेश काफी है ना कांग्रेस की तरफ से। जी,
तो और लेकिन महाराष्ट्र शिफ्ट करने का एक ही मतलब हो सकता है कि जैसे तुमको बिहार से उम्मीद थी कि बिहार में लालू और नीतीश साथ मिल गए हैं तो वहां हम लोग स्वीप करेंगे, तो एक अड्डा उसको बनाया। कर्नाटक में सरकार आ गई, अगर बीजेपी सरकार होती तो शायद बैठक हो सकता है कि किसी और राज्य में स्टालिन करवा लेते, लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां से संदेश दिया जा सकता था अच्छी तरह से आयोजन करके। अब महाराष्ट्र में उद्धव भी हैं, शरद भाव भी हैं, और शरद भाव तो चाणक्या कह ही जाते हैं। तो मुझे लगता है अमित की इसीलिए महाराष्ट्र में 48 सीटें भी हैं, इसको कैसे हम लोग नजरअंदाज कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। 48 सीटों पर भी तो नजर होगी, इसीलिए मुंबई चुना गया है, फाइनेंशियल कैपिटल भी है, बिहार यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, और साथ ही साथ दो ऐसे नेता हैं जो 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 बाला साहब, एक बाला साहब ठाकरे की विरासत और एक शरद भाव पवार, तो मुझे लगता है इसीलिए विपक्ष ने यह जगह चुनी है। लड़ाई इंटरेस्टिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखते हैं इस रेस में आगे कौन निकलता है, अभी बहुत समय है। अभी बहुत समय है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 2024 के वर्ल्ड कप के लिए दोनों तरफ से टीम जुटाना शुरू हो गया है। एक ग्राउंड है, एक टीम सेट है, दूसरी टीम अपने ओपनर से लेके बॉलर तक सब चीजें ढूंढ रही है। मुंबई तक आते आते इन्हें एटलीस्ट ओपनर या बॉलर क्या मिलते हैं देखते हैं। बहुत बहुत सिर्फ गुगली है, सारे गुगली फेंक रहे हैं। वही सर, बॉलर ज्यादा हो गए हैं, ओपनर नहीं मिल रहे हैं। और मैं आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। एक विनती आज मैं हमारे दर्शकों की तरफ से करूंगा, जब जब हम आपको बुलाए आपको आना पड़ेगा, जैसे भी आपको वक्त मिले, ये इनसाइड हमें और कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। उम्मीद है भाषा अड़चन नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं, हिंदी से हमारे हम मौसी कहते हैं सर हिंदी को, मराठी हमारी माँ है तो हिंदी हमारी मौसी है, और हमारे यहाँ बॉलीवुड का सबसे ज्यादा प्रभाव है तो हिंदी हमारे क्लोज है। हम आपके इनसाइड हमें आगे ऐसे मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू हमें।